फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ। बहुत जल्द मैं आप सबसे खुशी का, जो मैंने कहा था कि एक खुशी की खबर है, मैं आप सबसे शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं छोटी सी ब्लॉग डाल रही हूँ, आई होप आप सबको अच्छा। तो चलिए मैं अभी खाना बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो थोड़ा सा मसूर की दाल बनाऊँगी, एकदम सिंपल, जीरे तड़के के साथ में। एक बार में मैं तड़के डाल के फिर मैं बना दूँगी थोड़ा पकाई करके। बहुत ही टेस्टी लगती है, आपका बना के खाई होगी। और कुछ ऐसे भी खाने का दिल तो होता नहीं है, बेटी एंड हस्बैंड ये खाना बनाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जब भी मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक रहती है तो थोड़ी बहुत मैं बना लेती हूँ। तो बस वैसे ही, तो थोड़ा सा एक सीटी मार दूँगी। और यहाँ पे फ़िश रखी है, फ़िश बेटी बनाएगी, मैं नहीं बनाऊँगी, बाद में होते रहेगा। तो मैं सिर्फ चावल और दाल बना दूँगी, उसके बाद में बेटी बना देगी फ़िश। तो फ़िश करी बनेगी आलू डाल के, टमाटर प्याज वगैरह डाल के। तो बेटी ने बना दिया है देखिए फ़िश करी, बहुत ही यम्मी लग रही है, बहुत ही टेस्टी। तो दाल, चावल और फिश करी एंड थोड़ी सी आलू फ्राई है। सुबह का तो हो जाएगा, तो भात भी यहाँ पे पक रही है। मैं थोड़ी सी फ्लेवर वाली जो चावल है वो मैं बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने एक तेज पत्ता डाला हुआ है ताकि थोड़ा सा हल्का फ्लेवर आए, क्योंकि बीमार में मुंह में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने के लिए। तो मैं सोची थोड़ा सा चलो चावल में एक तेज पत्ता डाल दे, थोड़ी सी हल्की खुशबू आएगी, अच्छी लगेगी। तो अभी चलिए नाश्ता मैं कर लेती हूँ। तो नाश्ते के लिए चाय है, तो चाय थोड़ा सा कर लूँगी। और बेटी ने परोठा और टमाटर की चटनी बनाई है, खट्टी मीठी तीखी वाली, थोड़ा मुँह में अच्छे लगेंगे। तो मैं बस वही मैं अभी नाश्ता करूँगी। तो दोस्तों बहुत छोटी सी ब्लॉग है, आई होप आप सबको पसंद आएंगे। अगर आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बने रहिएगा मेरे साथ हमेशा। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में बने रहने के लिए। और जो मेरे चैनल को अभी विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन पर ज़रूर हिट कीजिए, ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो मैं जानती हूँ आप सब हमेशा दुआ एंड प्यार देते हैं मुझे, तो हमेशा रहिएगा मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रेशर चेक किया अभी, तो अभी भी प्रेशर लो ही है। थोड़ी सी तबीयत अच्छी थी बीच में, थोड़ी सी फिर से अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो मैंने प्रेशर चेक कर लिया। और मशीन का ये बैटरी निकाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन मैं सुबह और शाम को ही मैं ये यूज़ करती हूँ, प्रेशर चेक करती हूँ। तो बेटे ने ये मुझे गिफ्ट किया है, तबीयत ख़राब थी तो मम्मी आप प्रेशर की दवाई ऐसे ही मत लिया करें, प्रेशर को चेक करके लिया करें, तो वही मैं यूज़ करती हूँ सुबह शाम। तो प्रेशर अभी भी लो है, बस आराम ही कर रही हूँ, खाती हूँ, थोड़ा सा चल फिर लेती हूँ शाम को, थोड़ी देर 5 मिनट तक वॉकिंग करती हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है मेरे। जैसे ही मैं थोड़ी सी बेटर फील करूँगी, मैं आप सबके साथ में अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी। आई होप तब तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो अब मैं थोड़ी सी मैं लेट जाती हूँ नाश्ता खा के, मैंने अभी दवाई ववाई ली है, तो अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी अभी। तो अभी गुड इवनिंग है, तो मैं लेट के उठ के खाना खा के फिर मैं सो गई थी दोपहर को। तो अभी बज रहे हैं 4, तो थोड़ा सा टीवी देखने का टाइम है अभी। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बेटर फील कर ही रही हूँ मैं, तो अभी नींद से उठी हूँ। तो गुड इवनिंग एवरीवन। अब चाय वगैरह पीऊँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा बस आप सब, आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएंगे, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज का बस वीडियो मैं बस यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय बाय, सी यू अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।